तीन ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके सिलेक्शन को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ, लेकिन इस टीम में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर, विकेट कीपर अमित देशपांडे और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज राकेश ध्रुव। साला भाई का नाम तक नहीं लिया है। छोटू, जरा एक दर्जन सिंघाड़ा और एक किलो बालू शाही। सब सेटिंग वाला बात है, नहीं तो मही का सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, बताइए आप। अबे सावन के अंधे, भैया पकड़िए, प्लेट में डाल के लाइए, एकदम गर्म है। जी कहाँ हो गया, बिल्कुल शांत पड़ गए आप लोग। मही वो तुम्हारा वो आज सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता है उनको। देखिए इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिंघाड़ा बालू साई का पार्टी इसलिए है कि हम आज का दिन नहीं भूलना चाहते। अब आप लोग शुरू करेंगे कि हम जाएं? अरे भाई सुनो, अरे नहीं लाए इसको तो शुरू करो, समझा कम पड़ेगा मैं लगे। कितने में दिया? 80 रुपया। बहुत महंगा। अरे यार तू इतना दर दाम क्यों करती हो यार, जो लेना लो ना। अरे करना पड़ता है, जो मांगे दे दो क्या। केशव क्या मोल बस, और ठीक है चंचल दा, मजा आ रहा है। जल्दी चलो। हाँ आ रहा है, मजा आ रहा है। उसको कहना इस बार जम के मारे सबको। किसको बोलूं? अरे धोनी को और किसको, दिलीप ट्रॉफी में इस बार अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए। दिलीप ट्रॉफी? अरे तुमको पता नहीं? नहीं। इस जोन में उसका सिलेक्शन हो गया है, आज ही तो आया अखबार में। परसों मैच है सेंट्रल जोन के साथ अगरतला में। अरे ये आज का पेपर दिखा रहा हूँ। पेपर दे, पेपर लीजिए। हाँ अरे उसको तो पता ही नहीं। अरे धरो 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 धरो। अरे क्या हो गया? नहीं, हाँ तू घर जाओ, हम जरूरी काम से आता भी। अरे, अरे हम आता आता भी। अरे परम, तुमको पता है धोनी का सिलेक्शन हुआ दिलीप ट्रॉफी में? आजा। अरे तेरा दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया है, परसों मैच है। लेकिन हमको तो कोई लेटर नहीं आया। अरे अटका होगा किसी एसोसिएशन में, देवल सर का नहीं आया क्या तुमको कुछ? नहीं, हम सब पता किए हैं, कल सुबह रिपोर्टिंग है दमदम रिपोर्ट पे। अरे लेकिन कल सुबह कहां से पहुंचे हैं कलकत्ता हम लोग तो? वही देवल जी से जाके बात करो, किसी तरह से भेज देंगे तुमको। करने बोले हैं gentlemen, let's take a break. दीजिए जरा। हाँ चलो चलो। हाँ भाई। सर हमारा ये दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया सर। अरे और सर परसों अगरतला में मैच है और कल कलकत्ता में रिपोर्टिंग है सर। क्या सर? यही रुको,
सकता है क्या? But somebody should have informed us. How can he report tomorrow? But then he will lose one big match. इतना बड़ा कंपटीशन है और तुम लोग इतना irresponsible. सर, न्यूज तो सही है. तुम्हारा लेटर साथ जमशेदपुर में अटका पड़ा है. क्या करें सर? कल सुबह एक फ्लाइट है कलकत्ता से 9 बजे. हाँ सर. चांस मिस हो गया. सर सर बाय रोड ट्राई करें. अभी निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे सर. रोड का हालत पता है सर? दो तीन ड्राइवर मिलकर चला लेंगे सर. नहीं नहीं पहुंच पाओगे तुम. सर आप बस गाड़ी कर दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे. हाँ सर. अभी तो अकाउंट डिपार्टमेंट भी बंद हो गया है. एक काम करो, तुम लोग सब आपस में कुछ कर लो. जो कुछ भी होगा हम रिम्बर्स करवा देंगे बाद में. ठीक है, मैं पहुंच के फोन करना. हम लोग के पास गाड़ी के लिए पैसा होता तो यहाँ क्यों आते? क्या आदमी है यार. हमको तो लगता है लेटर आया यही नहीं आगे बढ़ाए. तुम चुप करोगे? अब रात को कहां से इंतजाम करेंगे? छोड़ो मैं, प्रॉब्लम क्या है? अभी हम लोग मिलकर मैनेज कर लेते हैं, बाद में रिम्बर्स करा लेंगे. हाँ से ले. अरे तुम एक काम करो, तुम जाके सामान पैक करो, गाड़ी हम लोग लेके आते हैं. हाँ तुम चलो चलो, तुम जाओ गाड़ी लेके आते हैं हम लोग, तुम जाओ जल्दी जाके पैकिंग करो. ऐसा है कुछ तुम लोगों के पास? क्या अभी तो तुम बोले तुम्हारे पास है. नियत पूरी है पर पैसे कम पड़ेंगे. और देखो माई का जाना जरूरी है, जो भी करना है हम लोगों को करना है. तुम्हारे पास है कुछ? हाँ थोड़ा होगा हमारे पास. तुम्हारे पास? हाँ हम भी देखते हैं, हम भी कुछ करते हैं. चलो 12 बजे मिलते हैं दीपक के गैराज पे रात में. ठीक है चलो जल्दी चलो 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 चलो. अरे चिट्टू आ गए. अरे चिट्टू जा रहे हो? आते हैं. मेहनत किए हैं, सेंचुरी मार देना यार. अरे मही मारेगा रुकेगा थोड़ी. अरे मारेगा मारेगा ना, वही खेलेगा. क्या हुआ? फ्लाइट आधे घंटे पहले निकल गई. Thank you.
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपने बुलाया सर? आओ सत्यप्रकाश, ये महेंद्र सिंह धोनी तुम्हारे साथ खेलता है ना? जी सर, जूनियर है सर, अच्छा खेलता है। रेलवे ज्वाइन करेगा? टिकट कलेक्टर बनेगा? पता नहीं सर। बोंडा मोंडा रेलवे स्टेशन पता है? सर खड़गपुर में ही ठीक हूं सर। उसको रेलवे के तरफ से जॉब ऑफर करो। कहाँ हो गया? तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं तुमको, जल्दी आओ। आप क्या किए तुम? हम तो कुछ नहीं किए। शायद इसलिए ढूंढ रहे होंगे। हाय। जी जी। अरे कहाँ थे तुम? बहुत बधाई हो पान सिंह जी। रेलवे में स्पोर्ट्स का कोटा होता है और अनिमेश बाबू को क्रिकेट का बड़ा शौक है। अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे में अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं और मही पर कई दिनों से नजर रखे हुए थे। टीसी का जॉब तो कंफर्म है ना? अनिमेश बाबू खुद ट्रायल लेंगे मही का। अगर मही पास हो गया जॉब पक्का। अरे ट्रायल में तो पास हो ही जाएगा। ये एकदम ठीक हो गया। पहली पोस्टिंग खड़गपुर में ही होगी, उसके बाद ट्राई करेंगे कि रांची आ जाए और सब कुछ मिल मिला के 5,000 के आसपास हाथ में आ जाएगा महीने की पहली तारीख को। बताओ अपना मही टीसी बन जाएगा माता के आशीर्वाद से, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जाने का मन नहीं है तो बोल क्यों नहीं देता पापा को? तुम पापा को देखी ना? और अभी उनको थोड़ा पैसा का भी जरूरत पड़ेगा ना। तुम इतना बड़ा बड़ा बात मत किया करो हमसे, समझे? एक बात बताओ दीदी, तुमको क्या लगता है हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं होगा, देखना तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। मही सत्या भैया बोल रहे थे कि अगर